हमारे एमए प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, और आज 16 मार्च 2022 को आज हम आप लोगों से महान मंदी के बारे में किसी बच्चे ने कहा मेरी आवाज नहीं आ रही है, बताइए आवाज आ रही है? हेलो यस सर, आवाज आ सर रही आ है रही है, आपकी। आवाज आ रही है सर। कोई बच्चा भी लिख के बोला कि आवाज नहीं आ रही है, तो ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि आज हम आप लोगों से महान मंदी जो 1929-33 के बारे में बात करना चाहेंगे, जो एक बहुत बड़ी विश्व स्तर की घटना रही और जिसका पूरे विश्व स्तर पर जो है इसका असर दिखाई देता है। और ये 1929 के अक्टूबर महीने में अमेरिका के जो वॉल स्ट्रीट है वहां से ये प्रारंभ होती है और प्रारंभ होकर इसका असर पूरे विश्व में पड़ता है। और ये जो घटना है इसको जो है समझने की जरूरत है कि ये मंदी के माने या महान मंदी के माने क्या होता है। तो आप सब लोग इतना जान भी रहे होंगे, लेकिन हम आपके सामने ये कहना चाहेंगे कि मंदी के माने होता है कि जब भी किसी भी देश में कोई व्यापार या बाजार या लोगों का परचेजिंग पावर, खरीदने की ताकत, ये सब कमजोर पड़ती है, तो इसको सामान्य रूप से कहा जाता है कि एक मंदी का या डिप्रेशन का पीरियड आ गया, जिस डिप्रेशन के पीरियड में लोगों की जो आर्थिक ताकत होती है, खरीदने की ताकत होती है, वो कमजोर जाती है। अमेरिका से ये प्रारंभ हुई मंदी और इसका पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका के तमाम कॉन्टिनेंट हो उन पर, और जो पूरे विश्व के जितने भी देश थे सब पर इसका असर पड़ता है। इसको समझने के लिए जानना जरूरी, इसका प्रारंभ कैसे अक्टूबर महीने में 1929 के वॉल स्ट्रीट, जो वहां पर उनका शेयर मार्केट है, वहां इस पर असर पड़ता है। क्या होता है वॉल स्ट्रीट पे, तो उस दिन शेयर का दाम गिरने लगता है। शेयर का दाम गिरने के माने क्या होता है कि आपको पता है कि जितने भी कंपनियां होती हैं जो बिजनेस करती हैं उन सबका एक शेयर वैल्यू होती है, और वो शेयर वैल्यू हर एक उनके जो है जितना पैसा वो लगाए रहते हैं कंपनी में, जो पेड अप कैपिटल कहते हैं, कोई भी कंपनी कुछ पैसे लगा करके खड़ी होती है, उसको अंग्रेजी में पेड अप कैपिटल आप कह लीजिए, और उसके जो तमाम अंश होते हैं उस कैपिटल के, जैसे 10-10 रुपए के या 100-100 रुपए के कितने अंश हैं उस कंपनी के, जो पूंजी है पेड अप कैपिटल के, उन अंश को कुछ तो मालिक अपने पास रखते हैं कंपनी के, जो प्रमोटर्स होते हैं, और कुछ जो है उसको 50% से कम, जो 50% से कम अमाउंट के जो शेयर हैं वो जनता में उसको बेच दिए जाते हैं। जैसे कोई कंपनी मान लीजिए 1,000 रुपए की हो, तो 10-10 रुपए के 100 उसके पास शेयर होंगे, तो 50 शेयर कंपनी का प्रमोटर अपने पास रखेगा और 50 शेयर वो जनता को कहेगा कि आप खरीद लीजिए। और रोज जैसे कि आप देखेंगे बॉम्बे में, हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उन सब में डेली, आजकल तो बहुत दिख डेवलप्ड हो गया है कंप्यूटर वगैरह सिस्टम से, रोज का रोज क्या शेयर हो रहा है, और एक एक सेकंड में शेयर के वैल्यू के बारे में लोगों को पता चल जाता है। डीमैट वगैरह सब तमाम अकाउंट होता है उससे पता लगता है, लेकिन जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस समय इतना कंप्यूटर क्या ये सब चीजें आई ही नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं आया था, तो वहां पर शेयर के कागज होते थे जो लोग खरीद के रखते थे, और रोज वहां भी मतलब बिक्री होती थी शेयर की, और लोग अपना जा करके वहां जो शेयर बेचने वाले हों बड़ी आवाज लगा करके बेचते थे कि ये फलाने कंपनी का शेयर है वो 100 रुपये का शेयर है, 200 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है, या 90 रुपये में हो गया है, ऐसे करके आवाज लगा कर बेचते थे। और ऐसे में जब वो शेयर का जो जिस दिन अक्टूबर महीने में 1929 के जब शेयर का बाजार खुलता है, तो
एकाएक ये होने लगता है कि दोपहर तक या आते आते पूरे बाजार में शेयर का जो मूल्य है वो क्रैश कर जाता है। क्रैश करना माने मूल्य जीरो हो जाता है, जैसे किसी भी शेयर का मूल्य 100 रुपया हो या $100 हो तो वो जीरो चला जाता है। अर्थात कंपनी जब किसी भी कंपनी के शेयर का मूल्य जीरो हो जाता है तो उस कंपनी का जो नेटवर्थ होता है, उस कंपनी का जो मूल्य होता है वो एक तरह से शून्य चला जाता है। वो कंपनी का कई बार कहते हैं कि उसके पास कुछ पैसे नहीं है, अब वो बैंक वगैरह से जिनसे पैसा लिए रहती है तमाम उसके वो लोग दे नहीं सकते, और फिर जो उस कंपनी के इम्प्लाई होते हैं उन इम्प्लाई लोगों की छटनी होने लगती है क्योंकि कंपनी अब अपने इम्प्लाई को तनख्वाह भी नहीं दे सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी सबको जो है वह नौकरी से हटाने लगती है। तो इस मंदी का असर यह पड़ता है कि बहुत बड़ी छटनी होती है, नौकरियों से लोग निकाल दिए जाते हैं, और इतनी खराब स्थिति खासतौर से अमेरिका का बता रहा हूँ कि वहां पर लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और जो लोग कंपनियों में काम करने वाले लोग बड़े बड़े पदों पर रहते हैं वो सड़क पर आ जाते हैं, और चूंकि वो सभी लोग अपना मकान या जो कुछ भी है वो बैंक से एक तरह से इंस्टॉलमेंट में लिए रहते हैं तो अपने बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं पूरा कर पाते। जैसे किसी ने मान लीजिए कार खरीदा हो या मकान खरीदा हो, बैंक को ईएमआई देना हो तो वो लोग अपना ईएमआई नहीं दे पाते हैं, और ऐसे में उन लोगों की तमाम संपत्तियां जो है बैंक के आगे जब्त हो जाती हैं। यद्यपि पैसा नहीं मिलता है, खुद बैंक भी दिवाला, मैंने दिवाला मतलब होता है कि बैंक की इनकम भी एकदम जीरो हो जाए, या ऐसे करके उन लोग कहते हैं बैंकरप्ट होने लगे। तो अमेरिका का सिनेरियो ये होता है, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कि बहुत अधिक लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों को खाने की दिक्कतें आने लगती हैं, और यहाँ तक होता है कि सरकार को आगे बढ़ करके लोगों को सार्वजनिक रूप से भोजन वगैरह कराने की व्यवस्था होती है। बहुत से ऐसे चित्र उस समय के दिखते हैं कि जो शेयर के कागज होते हैं उनको लेकर के बच्चे लोग जैसे कोई पतंग उड़ा रहा है, इतना जीरो वैल्यू हो जाता है उस सब शेयर का। इस शेयर के मार्केट के गिरने का अमेरिका के ऊपर होता है जीडीपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 50% तक जो है जीडीपी गिर जाता है उनके देश का, और बहुत से करीब 50% कंपनियां जो है अपने यहाँ जो नौकरी रखे रहती हैं वो सब लोगों को छटनी कर देती हैं। तो ऐसे में अमेरिका चूंकि विश्व बाजार का, विश्व व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र देश था, तो उनके यहाँ जब इस तरह की स्थिति बनती है तो वो एक तरह से विश्व बाजार में भी जो तमाम विश्व के लोग उस निर्भर रहते हैं अमेरिका के परचेजिंग पावर पर, वे सब के सब लोग परचेजिंग पावर नहीं कर पाते, मतलब परचेज नहीं कर पाते हैं। तो तमाम जगहों पर जो लोग भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी होती है, विश्व में पूंजीवाद के विकास के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इकॉनमी पूरे विश्व में फैलती है, और ये पूंजीवाद एक कुछ ऐसे सिद्धांत पर आधारित होता है कि मुक्त बाजार होगा और बाजार में सामान में वस्तुएं बिकेंगी और लोग खरीदेंगे, कुछ लाभ लेकर के ये काम करेंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कि लोगों के पास कोई खरीदने की ताकत ही ना रहे, वस्तुएं उत्पादन की जाएं और उनको खरीदने वाला भी कोई ना रहे, तो ऐसे परिस्थिति में वस्तुएं उत्पन्न हुई, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो जो उन लोगों ने उत्पादन किया उन लोगों को भी कोई इनकम नहीं हुई, और इस तरह से सभी लोगों का इनकम बहुत जीरो की तरफ बढ़ने लगा, और वे लोगों को जो अपने देय होते थे हर व्यक्ति को हर महीने में अपने परिवार चलाने के लिए और भी बहुत प्रकार के ईएमआई वगैरह देने होते हैं वो नहीं दे पाने से उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो एक तरह से जिसको कहते हैं सड़क पर आ जाना, सड़क पर आ जाना का मतलब कि एक भिखारी की तरह की स्थिति हो जाना कि हमको अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी सब स्थितियां अमेरिका में जो होती है वो पूरा घूम करके पूरे विश्व में उसका असर पड़ता है, जैसे भारत में भी उसका असर पड़ता है। भारत के उस समय के जो किसान हैं उनका कोई सामान जो है नहीं खरीदा जाता है, और बहुत से किसानों ने अपने मेमोर्स में लिखा है जिन्होंने अध्ययन किया, उसमें पाया कि किसान कहे कि हम लोग अपना सामान बाजार में बेचने गए,
लेकिन कोई सामान खरीदने वाला ही नहीं मिला, वो सामान रास्ते में फेंक करके चले गए। और भूमि का लगान किसानों को देना पड़ता था, जो कि देना ही हो, चाहे आपको इनकम हो चाहे ना हो। तो इस दौर में भारत में तमाम जो पूर्वजों से अपने सोने वगैरह लोग इकट्ठा किए हुए थे, उन सोनों को निकाल करके वो लोग बेच करके और लगान दे करके अपनी जमीन वगैरह को बचाए, और इस तरह से जो है वह बहुत अधिक डिप्रेशन का असर, जैसे भारत में आप देख सकते हैं, यूरोप के भी तमाम देशों में, जो सभी देश, ब्रिटेन में, फ्रांस में, सभी देश जो पूंजीवादी देश थे, जो अंतरराष्ट्रीय लेन देन पर आधारित थे, उन सभी देशों में मंदी का असर पड़ता है कि वहां पर तमाम लोगों का बेरोजगारी होती है, छटनी होती है, और उस छटनी के आधार पर सब सड़क पर आ जाते हैं। ऐसे समय में कौन सा देश जो है वह डिप्रेशन का असर नहीं पड़ता है, तो इसके बारे में चर्चा होती है कि डिप्रेशन का असर सोवियत यूनियन पर नहीं पड़ता है उस समय के। क्यों नहीं सोवियत यूनियन पड़ता है? क्योंकि सोवियत यूनियन एक खास किस्म के पूंजीवादी देश नहीं होता है, वो एक समाजवादी देश रहता है, और उस देश में विदेश के व्यापार से उनकी अर्थव्यवस्था नहीं जुड़ी रहती है। तो सोवियत यूनियन के जो देश है, उनके जो संपर्क के जो जो देश है, उन जहां पर खास तौर से जहां कम्युनिज्म रहा, विशेष रूप से सोवियत यूनियन को ही आप इसमें इंगित कर सकते हैं कि उनके यहाँ मंदी का असर नहीं पड़ता है। नहीं तो आप पूरे विश्व का सर्वेक्षण कर लेंगे तो चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, फिलीपींस हो, ये सभी कॉलोनी थी, लेकिन इन सभी देशों में मंदी का असर पड़ता है। किसान लोग अपने सामान को बेच नहीं पाते हैं और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन यापन की दिक्कतें होती हैं। इन सभी घटनाओं का जो पॉलिटिकल रिपरकशन की चर्चा किया गया है कि डिप्रेशन का पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होता है, तो सामान्यतः पूरे विश्व में राजनीति बड़ी रेडिकलाइज हो जाती है, राजनीति रेडिकल राजनीति। आप देखेंगे कि 1929 से 33 के बीच में जो मंदी का एक भयंकर पीरियड है, इसी काल खंड में बहुत से देशों में रेडिकल, जैसे कि आप देखेंगे कि जर्मनी में नाजीवाद का अभ्युदय होना तेजी के साथ, जो हिटलर का अभ्युदय होता है 1932-33 में, तो इतनी अधिक बेरोजगारों की संख्या होती है, और जर्मनी के ऊपर तो बहुत से तमाम जो संधियां आरोपित की गई थी कंपनसेशन के चलते, तो उसमें जर्मनी में एक रेडिकल पॉलिटिक्स के लिए बहुत अधिक वातावरण बनता है। और इसी तरह से स्पेन वगैरह में देखेंगे, वहां भी पॉलिटिक्स एक खास किस्म के फासिज्म की तरफ, वहां की भी पॉलिटिक्स बढ़ती है, और इटली वगैरह में तो थोड़ा पहले से ही फासिज्म था। एक रेडिकलाइज होना का मतलब एक एक्सट्रीम बातें करके अपने देश में ऐसे नेता अस्तित्व में आए जो कठोर और अतिवादी बातें करने वाले लोग थे। इसी तरह से कम्युनिज्म वगैरह के जो आइडियोलॉजी थी, उसके पक्ष में भी लोगों के आया कि भाई मजदूर लोगों को या मजदूरों के हित में शासन व्यवस्था होनी चाहिए, और ये पूंजीवाद अपने आप में एक ठीक व्यवस्था नहीं है, उस पर एक चुनौती होती है। और ये चुनौती कुछ इस तरह से आती है कि आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है 1939 से लेकर के आपके जो 39 से शुरू हो जाता है, 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने में बहुत से इतिहासकारों ने मंदी को, महान मंदी को जिम्मेदार बनाया, जिसके कारण विश्व के बहुत से देशों का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डाउन हुआ, बहुत अधिक बेरोजगारी आई। उस बेरोजगारी के चलते जो है बहुत से लोगों ने एक रेडिकल या एक अतिवादी विचारधारा की तरफ, या तो साम्यवाद की तरफ या फासीवाद की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में क्या होता है विचारधारा के रूप में, इसी दौर में आप देखेंगे कि 1929 वगैरह में एक पूर्ण स्वराज्य का आंदोलन, या नमक सत्याग्रह, या सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चलता है गांधी जी का, यद्यपि 33 वगैरह तक आते आते ये आंदोलन समाप्त हो जाता है, लेकिन इस बीच में पूरे भारत में आप देखेंगे कि बड़ी रेडिकल पॉलिटिक्स जो है खड़ी होती है, जो गांधी के पक्ष में भी, या भारत का अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जो एक खास किस्म का एक चिंतन होता है,
भारत की जनता अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध और अधिक गोलबंद होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत में भी अगर मंदी के असर को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी साम्राज्यवाद के विरोध में आंदोलन होता है और साम्राज्यवाद के साथ ऐसे ही दौर में समाजवाद की बातें बहुत अधिक भारत में होती हैं। यद्यपि समाजवाद की बात पहले से भी आती है, जैसे भगत सिंह वगैरह हुए, उन लोगों ने समाजवाद की बात किया, या कम्युनिस्ट पार्टी भारत में 1920 वगैरह से स्थापित होती है, लेकिन आप देखेंगे कि 1932-33 तक आते आते जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होना, हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट लोग तो बैन थे, अंग्रेज लोग उनको बैन किए हुए थे, लेकिन तमाम जगहों पर विभिन्न पार्टियों में और समाजवाद नाम बड़ा पॉपुलराइज हो जाता है लोगों के बीच में कि नहीं, समाज में एक समाजवादी ढंग से राज्य की जिम्मेदारी होगी और राज्य सब लोगों को नौकरी देगा, सब लोगों की व्यवस्था करेगा। इस तरह से सोवियत यूनियन से प्रभावित होकर के सोवियतिज्म की विचारधारा मंदी के दौर में आगे बढ़ती है और इसी सोवियतिज्म या सोवियतवाद या प्लानिंग कमीशन के विचार या केंद्रीय प्लानिंग या राज्य केंद्र में होकर के सब काम करे, एक सोवियत यूनियन से नकल होता है। और अमेरिका जो है इसके विपरीत, एक बहुत बड़ी घटना अमेरिका में होती है जो मंदी के युग को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, जिसमें 1932 के चुनाव में वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी का फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है पावर में आता है, प्रेसिडेंट होता है, और वो एक न्यू डील पॉलिसी के अंतर्गत तमाम अमेरिका में लोगों को बहुत से, जैसे होता है ना कि वहां का रिजर्व बैंक है उनका, उसमें बहुत पैसे होते हैं, बहुत गोल्ड होता है, तो कई बार क्या होता है कि इतना पैसा है बैंक में, उस बैंक को जनता के बीच में कई बार होता है कि फ्री बांट दीजिए आप, मंदी के दौर को दूर करने के लिए ये उपाय होता है कि बहुत से पैसे को स्वतंत्र ढंग से उनको बांट दिया जाए जनता को। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में बहुत से पैसे लोगों को बांटे, सार्वजनिक रूप से लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया, और इतना अधिक पैसे वगैरह बांटे, जैसा कभी अब आप इधर भी देखते हैं कि आपके यहाँ कोरोना काल में जैसे पैसे बांटे गए, अनाज मुफ्त का दिया गया, उसी तरह से डिप्रेशन से लड़ने के लिए अमेरिका में प्रयास किए गए। और इसी दौर में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, जिसका नाम जेएम कीन्स था, जिसे नोबेल प्राइज मिला 1933 वगैरह में, उसने अपनी थ्योरी दिया कि अगर मंदी से लड़ना है, पूंजीवाद को अपने को जीवित रखना है, तो पूंजीवाद में व्यक्ति को, खास तौर से सरकारों को, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। परचेजिंग पावर शब्द जो है बहुत पॉपुलराइज हुआ, जो जेएम कीन्स उस देश का था जहां से कि आप देखेंगे कि इंपीरियलिज्म की जो एनालिसिस करता हॉब्सन, इंपीरियलिज्म में स्टडी 1904 की किताब, ब्रिटेन का इकोनॉमिस्ट होता है, वो भी कहता है कि इंपीरियलिज्म आता है अगर परचेजिंग पावर नहीं रहता है किसी देश में, तो वहां की पूंजी जो है बाहर जा करके फ्लाइट करती है, पूंजी भाग जाती है बाहर और साम्राज्यवाद करती है। तो उसी देश का इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स ये बात कहता है कि पूंजीवाद को अगर सुरक्षित होना है तो राज्य को वेलफेयर स्टेट होना पड़ेगा, कल्याणकारी राज्य करना पड़ेगा और कल्याणकारी योजनाओं को चलाना पड़ेगा। और इस तरह से खास तौर से अमेरिका का नाम मैं इसमें लेना चाहूंगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जिस तरह से न्यू डील पॉलिसी के तहत लोगों को रोजगार देने का प्लान किया, रिजर्व बैंक से पैसे निकाल करके लोगों में मुफ्त खर्च करने किया और तमाम लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से भोजन वगैरह की व्यवस्था किया, रहने की व्यवस्था किया, इन सब के चलते जो जब 1936 का चुनाव हुआ अमेरिका में प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट ने लोगों से पूछा कि क्या अब अच्छे दिन आ गए हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ साहब बहुत अच्छे दिन आ गए, और उसको फिर से जो है राष्ट्रपति बनाया गया और कई बार उनको राष्ट्रपति चुना गया। जैसे अमेरिका में आज दो बार कोई राष्ट्रपति चुना जा सकता है, वो लगभग चार बार राष्ट्रपति चुनता है, बाद में जब उसका देहांत होता है तब जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है वहां पर पावर में आते हैं, मतलब डेमोक्रेट लोग अमेरिका में बहुत सत्ता में रहते हैं। तो ये जो है डिप्रेशन का प्रभाव आप इस तरह से देख सकते हैं, और भारत के संदर्भ में और किसी भी देश का अगर आप उठाएंगे तो वो सभी देशों में डिप्रेशन का असर पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, उसका असर इसलिए पड़ता है क्योंकि सभी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक इस पर निर्भर रहती है
अगर उनके देश का सामान खरीद करके बाहर बेचा जाएगा, जिसे कहते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिन दो देशों में कृषि का वाणिज्यकरण हुआ था उन सभी देशों में आप देखेंगे कि एक मंदी का असर पड़ता है। तो ये एक बहुत संक्षिप्त भाषण मैंने आपके सामने व्याख्यान दिया है, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस पर अपना नोट्स वगैरह तैयार करिएगा। मंदी, महान मंदी किसे कहते हैं, इसका विश्व के विभिन्न देशों पर क्या असर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के देशों पर, साउथ ईस्ट एशिया के, और इन सब पर जो है आप अध्ययन करिएगा। राजनीति पर क्या असर पड़ता है, जैसा मैंने बताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। आपका स्वागत। डिप्रेशन के ऊपर कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछे। यस सर। सर मेरा नाम रिया है, और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से वर्तमान की दशाओं को हम देख रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के वार को लेकर, तो क्या सर हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में थोड़ी बहुत मंदी होगी, क्योंकि सर युद्ध हो रहा है तो उसका सर आर्थिक दृष्टिकोण से सर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या मान सकते हैं कि मंदी के कुछ चांस हैं आने वाले समय में? एक बार फिर से आप अपना प्रश्न दोहराइए, थोड़ा संक्षेप में बोलिए। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि सर जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, क्या सर इसके प्रभाव के कारण सर मंदी आ सकती है सर? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। इसके असर से मंदी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। मंदी आ सकती है क्योंकि बहुत से रुकावट जो है रूस के ऊपर डाली गई है, उनका सामान न खरीदा जाए। लेकिन अगर रूस इसी के विकल्प में तमाम तेल वगैरह भारत को बेचने लगे सस्ते में, और भी तमाम विकल्प खोजने लगे यूरोप के अलावा देने लगे, तो बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार भी हो सकता है। ये जरूर है कि रशिया की इकॉनमी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 50% जो है कम हो गई है, और इस युद्ध के कारण बहुत दिक्कत आई है। तो आपका ये सोचना, प्रश्न मैंने सोचना ठीक है कि क्या मंदी आ सकती है, ये हो सकता है। लेकिन इसी दौर में इतना खर्च हो रहा है युद्ध वगैरह पर कि वो जब कोई भी देश खर्च वगैरह बहुत करते हैं विश्व में, तो वो मंदी के काउंटर होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ा सुनने में क्रूर लग रहा है कि युद्ध के दौर में जितने खर्च हो रहे हैं उन खर्च से मंदी आने की संभावना कम है। लेकिन मंदी अगर आने का वातावरण बनेगा भी, तो रूस इतना डोमिनेंट नहीं है कि वर्ल्ड इकॉनमी को बहुत प्रभावित कर रहा है। वर्ल्ड इकॉनमी पर है उसका असर, लेकिन रूस की खुद इकॉनमी एक खास किस्म के मंदी का शिकार हो सकती है। विश्व के और देश की इकॉनमी मंदी की जगह पर इस तरह का शिकार हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए तेल वगैरह को लेकर के दिक्कतें होती हैं, तो तेल से बहुत अधिक महंगाई बढ़ जाएगी, और उस महंगाई बढ़ने का मंदी पर असर पड़ सकता है, रोजगार पर असर पड़ सकता है, व्यापार पर असर पड़ सकता है। तो घुमा करके आप कह सकते हैं कि ये युद्ध अगर और लंबा खिंचा तो विश्व मंदी को जन्म दे सकता है। कृपया से सोच करके देखना पड़ेगा कि किन किन देशों पर, जैसे जो बड़ी बाजार वाले देश है, जैसे भारतवर्ष है, भारत एक बड़ी बाजार का देश है, चाइना एक बड़ी बाजार का खुद का देश है, तो ये लोग उतना असर उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन रूस से जो बहुत जुड़े हुए देश हैं, जैसे खुद यूरोप के लोग हैं, जहां पर तेल की सप्लाई यूक्रेन के थ्रू ही हो रही है, अगर तेल की सप्लाई जो रुक जाएगी, अभी कह भी रहे हैं कि हम लोग तेल नहीं लेंगे, अमेरिका ने कहा हम तेल नहीं लेंगे, लेकिन यूरोप का भी कोई देश नहीं कहा कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे, अभी तेल लेते जा रहे हैं उनके, तेल और गैस। तो ये सब वातावरण ऐसा है कि अगर तेल और गैस न लें, रशिया की इकॉनमी डाउन चली जाए, तो आप कह सकते हैं कि यूरोप में भी उसका असर पड़ेगा मंदी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और फिर जैसा होगा फिर आपसे बात करेंगे। मैं सोचता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, और आप लोग महान मंदी पर भी 500 वर्ड्स में अपने नोट्स तैयार करके हमें भेजिएगा, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है? धन्यवाद सर। आपको भी सर हार्दिक शुभकामनाएं। जी कुछ कह रहे हैं, इसकी लास्ट डेट क्या होगी? ये सर, सर अभी आपने जो असाइनमेंट दिया सर, उसकी लास्ट डेट 3 दिन में दे दीजिए, बना करके 3 दिन में दे दीजिए सर। होली नहीं मनाया क्या?
अच्छा तो मैं जैसा आप मनाइए होली मनाइए, मौका मिले तो दे दीजिए दिन भर, जैसा आपका मन करे। मैंने होली तो ठीक है, BHU कल से बंद हो रही है, 20 तक बंद रहेगी, तो होली में आप लोग जैसा मौका मिले तो बना लीजिए, जिनको ना मिले वो ना बनाए, बाद में दे देंगे। ठीक है सर, जो डीकोलोनाइजेशन है सर और ये महान मंदिर, दोनों असाइनमेंट के तौर पे ये वाला नोट्स रहेगा सर? वही एक साइन, सभी नोट्स पर मार्क्स हमने देंगे, हम देंगे, लेकिन ये सभी नोट्स जो है आप असाइनमेंट के रूप में ही लीजिए, सबका एवरेज परफॉर्मेंस देकर के आपको 30 नंबर में मार्क्स दिए जाएंगे फाइनली, जब आपको मार्क्स दिया जाएगा तो। इसलिए इनको गंभीरता से लीजिए नोट्स बनाने वाले काम को, और एक असाइनमेंट लेकर के गंभीरता से आप उसको दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों ने दिया भी है बहुत अच्छे से बनाकर। सर जो मेल प्रोवाइड किए हैं इसी पे भेजना है जो इस बार दिए हैं? मेल वो जीमेल जो मैंने बनाया बताया आप लोगों को, हम लिख के व्हाट्सएप पर दे देंगे आपको जीमेल, जीमेल का मेरा एड्रेस है, उसी पर आप भेजिएगा, राकेश पांडे 100@gmail.com, मैं व्हाट्सएप पर बता भी दूंगा आपको। ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।